बच्चों आज हम पार्ट चार जो है बारह खड़ी The consonants combined with the vowels. तो आज हम पढ़ेंगे और अक्षरों की पहचान करते हुए इनको लिखेंगे। तो चलिए पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया है स्वर जो है तो देखिए बच्चों यह है अ आ ई ई उ रु ए ऐ ओ औ अम आ। तो आपको पता है, तो इसका अंग्रेजी का अर्थ दिया गया है बच्चों ए अ ए डबल ए आ ई ई ई डबल ई ई उ अर्थात यू उ अर्थात डबल ओ रु यानी री आर आर ए अर्थात ए वाई आई अर्थात ए आर ई आई ओ अर्थात ओ औ अर्थात ओ डब्ल्यू अम अर्थात ए एम अम अहा अर्थात अहा ए एच ए। बच्चों यहां पर और एक शब्द जो है बच्चों यह है आ, तो यह स्वर में नहीं आता लेकिन इसे कहते हैं चंद्रबिंदु, इसे कहते हैं आ, यानी यह कैसे रहती है चंद्रबिंदु, इसलिए स्वर आहार तक होते हैं लेकिन आ यहाँ ऐड किया गया है आपके पुस्तक में, तो यह स्वर नहीं है, यह चंद्रबिंदु की मात्रा है जो आप ऊपर देखते हैं अ के ऊपर, तो इसको कहते हैं आ। जैसे कि आंत सांप चांद, ऐसे शब्द लिखते समय हम इस चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे हैं अभी तो उदाहरण है, तो यही स्वर कहलाते हैं। तो इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद आते हैं बारह कड़ी, तो बारह कड़ी आरंभ करेंगे हम, तो पहले लिखेंगे पहला अक्षर जो है क का की की कु कु के कई को 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 होने के पश्चात कौ होना चाहिए ना बच्चों, कई को कौ कम और क्या है कहा। तो देखिए बच्चों क का की कु कु, तो इसके पश्चात यहाँ और बीच में शब्द है बच्चों, तो वह क्रू ये क्या कहा है बच्चों, यहाँ पर कु होने के बाद क्रू कु होने के बाद पश्चात क्रू। तो देखिए क का की कु उ क्रु के कई को कौ कम कह। तो देखिए बच्चों यह है पहली लाइन यानी क से। तो चलिए बच्चों मैं आपको इसका मात्राएं बताते जाता हूँ आपको,
यहां पर है यह आठ की मात्रा, क कोई मात्रा नहीं है यहां, यह है आठ की मात्रा, यहां है ई की मात्रा। जब हम देख रहे हैं यह है ई की मात्रा, तो यह है ई की मात्रा, यानी देखिए बच्चों यह है आठ की मात्रा, यह है ई की मात्रा, यह है धीरे ई की मात्रा, यह है ऊ की मात्रा, यह है ऊ की मात्रा, यह है रू की मात्रा, यहां पर यह है रू की मात्रा, यह है ए की मात्रा, यह है आई की मात्रा, यह है ऊ की मात्रा, यह है ऊ की मात्रा, यह औ की मात्रा, यह है बच्चों औ की मात्रा, तो यह है अम की मात्रा, यह है आ की मात्रा। और एक जो आपके पुस्तक में ऐड किया गया है वह है क, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वह भी, वह तो नहीं आता इसलिए फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ कहा अर्थात क की मात्रा इस तरह से होती है। तो देखिए बच्चों आप ध्यान से देखिए, अ आ ई ई ऊ ऊ रु ए आई ओ औ अम आ अम। देखिए अ की कोई मात्रा नहीं इसलिए मैं यहाँ जीरो रख रहा हूँ। आ की मात्रा जिस तरह से है बच्चों तो आपको पता है, तो आ की मात्रा किस तरह से है, आ की मात्रा होती है ऐसे, यह ई की मात्रा होती है इस तरह से, आप ध्यान दीजिए इस ई की मात्रा इस तरह से होती है बच्चों, ई ऊ की मात्रा इस तरह से, ऊ की मात्रा इस तरह से, रू की मात्रा इस तरह से, ए की मात्रा ऐसे, आई की मात्रा ऐसे, ओ की मात्रा तक इस तरह से, औ की मात्रा इस तरह से, अम की मात्रा तो अम की मात्रा यही लिख देता हूं मैं, अम की मात्रा, और यह है अम की मात्रा। तो पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है, फिर भी मैं आपको यह समझा रहा हूं कि जो स्वरों की मात्राएं होती है, सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स ऑफ द वोवेल्स, उन्हीं मात्रा की सहायता से हम इन 12 कड़ी को लिखते हैं। देखिए जब क हमने व्यंजन देखा, पहला व्यंजन है क, क ख ग घ ञ, तो देखिए क, क से हमने आरंभ किया 12 कड़ी, तो क में कोई मात्रा नहीं इसलिए रॉन्ग लिखा हुआ है, मात्रा नहीं, लेकिन जब क के साथ आ की मात्रा मिल जाती है तो का क्या हो जाता है, का हो जाता है। इसी क के साथ जब ई की मात्रा मिलती है तो की बन जाता है, इसी क के साथ और धीर की ई की मात्रा मिल गई तो की हो जाता है, इसी क के साथ अगर ऊ की मात्रा मिल गई तो ऊ हो जाता है। तो इसी तरह देखो बच्चों मात्राएं मैं लगाकर मैंने यहाँ पर 12 कड़ी को लिखा है, तो आपको भी चाहिए कि इन 12 कड़ी को जब लिख रहे हैं यहाँ पर क का की कु कु क्रु के कई को कौ कम का कहा, तो देखिए तो कहा ये शब्द मैंने आखिर में आते हुए लिखा है, तो इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इसलिए फिर भी आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहीं पर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखे भी कोई समस्या नहीं है। तो देखिए इसी तरह ख खा खी खी कु कु क्रु खे खई खो खौ खम कह कहा ख कहा। देखिए इसी तरह ग, इन 12 कड़ियों को आपको पढ़ते पढ़ते आपको लिखना है, तो आप इस कंफ्यूजन मत होइए, मैं आपको यहीं पर ही लिख देता हूँ, क्योंकि कुछ छात्रों को पुस्तक पर देख कर लिखने की आदत है तो वे आगे पीछे नहीं कर पाते, इसलिए तो आप यहाँ पर ही लिख लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए बच्चों यह है
तो यह है कह, कह कहा, तो यह अगला है बाराखड़ी के पहले। इसी तरह आपको क से लेकर ज्ञ तक यानी ज्ञ श्र श त्र ज्ञ श्र संयुक्त अक्षर वहां तक आपको इन बाराखड़ी को लिखना है छात्रों, पढ़ते पढ़ते आपको इनको लिखना है। तो चलिए और दो तीन लाइन लिखेंगे हम, यह हो गया क, तो आगे ख लिखने चलो बच्चों, ख लिखेंगे, ख किस तरह से लिखा जाता है, देखिए बच्चों यह है ख खा खी खी खु खु खे खै खो खौ। यहाँ पर क्रू क्रू एक विषय है बच्चों, क्रू एक कितना है हमें क्रू क्रू खे खै खो खौ खम खम तो आप पुस्तक में है, आपको यहाँ पर नहीं पुस्तक देखकर आपको लिखना है। तो जब मैं जस्ट आपको यह समझा रहा हूं कि किस तरह से मात्रा के जरिए यह देखिए यहाँ है आ की मात्रा, यहाँ है जो ई की मात्रा, यह है ई की मात्रा, यह है ई की मात्रा, यह ऊ की मात्रा, यह बन गया ऊ की मात्रा, यह है रू की मात्रा, यह ए की मात्रा, आई की मात्रा, ए आई ओ की मात्रा, औ की मात्रा, यह अं की मात्रा, यह आ और यह आहा, यह है आहा की मात्रा। तो देखिए बच्चों ख खा खी खी खु खु क्रु खे खै खो खौ खम ख कहा। तो देखिए बच्चों यह थे क और ख, इसके बाद आते हैं ग। चलिए ग लिखेंगे हम, ग गा गी गी गु गु ग्रु गे गई गो गौ गम गा यानी आ की मात्रा, घी तो देखिए बच्चों यह है ई की मात्रा, यह है धी धी की मात्रा, यह उ की मात्रा, उ रू ए आई ओ औ आ आ यानी ग यह गा तो यह है आ की मात्रा। तो देखिए बच्चों मैं यहां पर आपको बार बार यही बता रहा हूं कि
ये जो मैंने अलग चौक से यानी रंग के अलग रंग के जो चौक से मैंने यहाँ डार्क किया है, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, तो यह मात्राएं होती हैं। तो आप पता है अ से लेकर आहा तक मात्राएं जो होती हैं इन्हीं के सहायता से बारह कवि को लिखा जाता है। तो अगर आप मात्राएं लगाना आ गया ये समझ लीजिए आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं आसानी से, कोई भी शब्द आसानी से आप लिख सकते हैं। पहले आपको मात्राएं पहचानी चाहिए। मात्राएं देखिए ग ख ग ग इस तरह से मात्राएं लगाई गई हैं जो देखिए मात्राएं के जरिए बारह की बनी हुई है। तो आगे का शब्द मैं लिखता हूँ आप क्यों ना प्रयत्न करें। देखिए यह है घर, तो इसे भी आप इस तरह मात्राएं लगाकर लिख सकते हो। चलिए देखिए हम देखिए ग आठ की मात्रा यहाँ पर लिखा था। आठ की मात्रा किस तरह से तो बच्चों आठ की मात्रा ऐसा है। तो चलिए घ के साथ आठ की मात्रा लगाए हैं लगाई हम घाव। ओके ई की मात्रा, तो चलिए ई की मात्रा इस तरह से होती है और मैं घ ऐसा लिखता हूँ लिखकर इसको इसे मिला देता हूँ तो बन गया है घी। तो चलिए ई की मात्रा, तो चलिए घी अर्थात धीर घी की मात्रा, तो देखिए यह घी हो। तो ऊ की मात्रा लगा घ मात्रा गुरु, इसी तरह यह उनकी मात्रा गुरु और गुरु, तो देखिए बच्चों गुरु। घे ए की मात्रा आई की मात्रा घे, घो घो घम, तो देखिए ओ की मात्रा औ की मात्रा और आम की मात्रा और आ की मात्रा और आ। देखिए बच्चों क खा खी खी खु 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 खे खै खो खौ खम ख कहा। देखिए ग गा गी गी गु 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 गे गई गो गौ गम ग कहा। देखिए गांव गांव ऐसे लिखते हैं बच्चों, इसी तरह बिंदु लगाकर सहायता से हम गांव लिखते हैं। तो देखिए घ घ खा घी घी घु घु घृ घे घै घो घौ घम ग गहा। तो देखिए यह हुआ क ख घ घ। तो देखिए इसके बाद च, क्योंकि निया निया क्यों नहीं दिया गया क्योंकि उसका ज़्यादा उपयोग हम बहुत सारे यानी पाठों में यानी कोई भी शब्दों में ज़्यादा उसका प्रयोग नहीं करते, उससे ज़्यादा शब्द नहीं है, इसी दूसरी दृष्टि से आपके पुस्तक में वहाँ नहीं दिया गया है। तो इसके बाद आता है च, तो चलिए च लिखेंगे हम च चा ची ची चू चू चु चे चई देखिए चो चौ चम च चा। तो देखिए बच्चों यह थे च चा ची ची चु चु चे चु चु चे चई चो चौ चम च चह। तो इसके बाद आता है छ, तो देखिए घ और छ में थोड़ा सा व्यत्यास है यानी थोड़ा सा बदलाव है, तो यहाँ आता है छ। देखिए छा तो यह है छी छु। देखिए बच्चों छु कहाँ लिखा गया है, गु की मात्रा यहाँ नीचे दी गई है छु छे छई छो छ
तो देखिए बच्चों यहां तक छ छ छी छी छु 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 छे छै छो छो छम छ छह। तो देखिए यहां पे क ग ग घ ञ तो नहीं है, छ छ इसके बाद आता है ज झ। देखिए ट, देखिए ज से देखिए ज जा जी जी। इसी तरह जो जिस तरह हमने आपको 5 1 2 3 4 या 5 बार तो पहला जो गलत है 6 बार उदाहरण दिया हमने, जिस तरह से हर एक 12 खड़ी के जो अक्षर होते हैं उनमें मात्राएं होती हैं, तो मात्राएं के जरिए ही हम इसको आसानी से 12 खड़ी को लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको चाहिए कि आप पहले इन मात्राओं को ध्यान से देखिए और इनको समझकर इन मात्राओं के जरिए आप 12 खड़ी को लिखिए। अगर आपको मात्राएं आ गई तो 12 खड़ी को आप बिना देखे लिख सकते हैं, लेकिन ये रू की जो मात्रा होती है वह कहाँ लगाई जाती है वह आपको ध्यान से देखना है, बाकी सब तो आसान है। तो देखिए ओ औ, यह है अम की मात्रा, यह है अ, यह है आहा की मात्रा, इसके बाद आता है देखिए यहाँ पर भी चर्चा में भी आ की मात्रा, यहाँ पर भी ई की मात्रा, यहाँ पर भी ई की मात्रा, यहाँ पर भी ऊ की मात्रा, यहाँ पर भी ऊ की मात्रा, यहाँ पर भी रू की मात्रा, यहाँ पर भी ए की मात्रा, यहाँ पर भी ऐ की मात्रा, यहाँ पर भी ओ औ अम, यह है अ यानी चंद्र बिंदु, यह आ की मात्रा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मात्रा है जिनकी सहायता से हमने 12 अंक निकाला है। इसी तरह आपके पुस्तक में पृष्ठ संख्या 7 और पृष्ठ संख्या 8 में तो 12 के दिए गए हैं, तो इसको आपको सुंदरता से पढ़ते पढ़ते लिखना है। तो इसके पूर्व बच्चों आपको चाहिए कि आप पहले इन मात्राओं को समझिए, इन मात्राओं की सहायता से ही आप 12 कड़ी को आसानी से लिख सकते हैं। तो आप अगर इन मात्राओं को एक बार ध्यान से पढ़कर उसको समझकर आप याद रखें तो आपको 12 कड़ी पूरी 12 कड़ी आप आसानी से लिख सकते हैं। घ से लेकर ज्ञ तक आप बिना देखे लिख सकते हैं, पहली बार देखकर लिखे, दूसरी बार बिना देखे लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ मैं 6 वाक्यों को आप सुन रहा हूँ, मुझे आशा है कि आप बाकी सब जो 12 कड़ी हैं वो भी इसी तरह है, सिर्फ उनमें भी इसी तरह मात्राएं लगाकर लिखना है और कोई भी कुछ भी अलग नहीं है बच्चों। तो आ से लेकर आहा तक की जो मात्राएं हैं वही इसमें लगाई जाती है, तो इसीलिए कहा गया है इसमें से पाठ में पढ़िए और अक्षरों को पहचान लिखना ही है, पढ़ना है आपको, पढ़ते पढ़ते लिखना है। क का की कु कु के कई को कौ कम क का, तो इस तरह पढ़ते पढ़ते आपको इस 12 कड़ी को लिखना है और अक्षरों की पहचान कीजिए। तो अक्षर कोई भी अक्षर पर मैं जब उंगली रखूंगा पूछूंगा तो तब आपको बताना चाहिए कि अक्षर कौन सा है, तो इसीलिए जब तब जाकर आप पहचान सकेंगे जबकि आपको मात्राएं समझ में आ गई हैं। तो अगर आपको मात्राएं नहीं समझें तो आपको कोई भी 12 कड़ी के अक्षर समझेंगे नहीं, तो इसीलिए आपको चाहिए कि इन मात्राओं को समझिए। आ की मात्रा इस तरह से होती है, आ का सिंबॉल यह ई, तो
तो ई, तो इसी तरह देखिए खा ख प्लस आ, देखिए खा यह मात्रा आ की मात्रा से मिल गई, ख के साथ आ की मात्रा खा, ख प्लस ई की मात्रा खी, ख प्लस ई की मात्रा दीर्घ में खी, ख प्लस उ की मात्रा कु, ख प्लस उ की मात्रा कु, ख प्लस रु की मात्रा क्रु, ख प्लस ए की मात्रा खे, ख प्लस ऐ की मात्रा खई, ख प्लस ओ की मात्रा खो, ख प्लस औ की मात्रा खौ, ख प्लस अम की मात्रा खम, ख प्लस अ की मात्रा ख, ख प्लस आ की मात्रा कहा, कह। देखिए तो यह है मात्रा के जरिए हमने बारहवीं को लिखा। तो आपको ऐसे लिखना नहीं है, आपको बारहवीं लिखना है सिर्फ इसी तरह और पढ़ते पढ़ते इसको लिखना है। मैंने अंदाज इसलिए किया है कि आपको समझ में आए कि किस तरह से मात्रा की सहायता से बारहवीं को लिखा जाता है। तो पाठ चार इतना ही है बच्चों, सिर्फ आपको बारहवीं लिखने का अभ्यास करना है, उसको समझना है किस तरह से बारहवीं बनी हुई है, मात्राओं के द्वारा किस तरह बारहवीं को लिखना या लिखाया या लिखा जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने थोड़े से वाक्य है, थोड़े से बारहवीं के शब्दों को लिखा हो, तो बाकी जो है बाकी सब आपको लिखने हैं बच्चों का सब। और लिखते समय मैंने बार बार आपको जोर देकर इसी बात पर जोर दे रहा हूँ कि आपको इन स्वरों की मात्राएं ध्यान से पढ़नी चाहिए, याद करनी चाहिए, तब जाकर आपको बारहवीं लिखना बहुत आसान होगा। तो चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप इन वाक्यों के जरिए बाकी सब बारहवीं समझ कर अपने क्लासरूम में लिखेंगे और आप इन मात्राओं को अपने दिमाग में यानी ध्यान से पढ़कर इसको अपने दिमाग में रखेंगे, यानी आप इसको कंठस्थ करिए या याद करिए, पता नहीं आप किस तरह से याद करेंगे वो आपकी मर्जी। तो देखिए अगर मैं इसको बुझा दूँ तो आपसे पूछूँ कि बच्चों आ की मात्रा कौन सी है, झट से आपको लिखने आना चाहिए आ की मात्रा। चलिए ऊ की मात्रा कौन सी बोलिए, तब आपको ऊ की मात्रा आना चाहिए। चलिए आई की मात्रा कौन सी बोलिए, चलो औ की मात्रा। तो इसी तरह जब हम सिर्फ आपको केवल आपको स्वर का एक स्वर है एक वर्ण एक स्वर को बताएंगे तो उस स्वर की मात्रा या सिंबल कौन सा है आपको आसानी से बोलने आना चाहिए बच्चों। तो इसीलिए मात्राओं को ध्यान से देखिए, उनको याद रखिए, उसके पश्चात उन मात्राओं की सहायता से इन बारहवीं को आप लिख सकते हैं। और बाकी सारे मैं यहाँ क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बाकी भी इसी तरह से मात्राएं लगाकर लिखी जाती हैं, इसमें कोई भी छोटा सा भी अंतर नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप इन सभी बारहवीं को आप सुंदरता से लिखिए, यही पाठ चार बारहवीं है, पढ़िए और अक्षरों की पहचान कीजिए। तो अक्षरों की पहचान करना बहुत जरूरी है। अगर हमें यहाँ पर एक अक्षर पूछ दिया कौन सा अक्षर है, तो आप क्या लिखेंगे, यह कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा, यह ग है, ग प्लस ओ की मात्रा क्या हुआ, गो। तो यह ग प्लस अ की मात्रा गम। तो इस तरह से जो भी हम अक्षर पूछेंगे आपको तो आपको बताने हैं, आपको कहने आना चाहिए, आपको बोलने आना चाहिए, आपको उस अक्षर को पहले पहचानना चाहिए बच्चों। तो पहचान जब होगी तब जब होगी, पहले आपको अगर मात्रा मालूम है याद है तब जाकर उस अक्षर को आप पहचान सकेंगे आसानी से। तो इसीलिए मात्राओं को समझिए, उनको पहचानिए, उसके पश्चात बारहवीं जब लिख रहे होंगे तो आप उन अक्षरों को पढ़ते पढ़ते लिखिए। सिर्फ लिखना मतलब ऐसे नहीं ना, लिखना नहीं है, याद रखना मतलब आप भय मत कीजिए, उसको लिखकर ध्यान दीजिए, उसकी मात्रा को ध्यान दीजिए बारहवीं समय, तो आसानी से आपको यह याद रख सकते हैं आप। जितना आप लिखेंगे उतनी आपकी ज्ञापक शक्ति जो होती है बच्चों वो बढ़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते पढ़ते लिखने का अभ्यास कीजिए, 100 बार पढ़ना एक बार लिखने के बराबर कहा जाता है। तो इसलिए बच्चों लिखने का अभ्यास करिए, लिखना मतलब सिर्फ ऐसे ही देखकर लिखना नहीं, क्या लिख रहे हैं, कौन सा अक्षर लिख रहे हैं उसको पढ़ते लिखिए। अगर पढ़ना आप पढ़ने में कठिनाई हुई तो माता पिता भाई बहन किसका किनकी भी आपके घर के सदस्यों की आप सहायता लीजिए, हेल्प लीजिए, मदद लेकर उन अक्षरों को उन बारहवीं को पढ़ते पढ़ते आप लिखिए। तो अगली कक्षा में हम फिर एक पाठ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप ध्यान से पढ़िए समझिए और घर में बैठकर प्रैक्टिस कीजिए लिखिए। अगली अवधि में हम अभ्यास करेंगे
पार्ट 5 सुलभ कीजिए ना। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।